सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात छोटू गैंग की जेब कतरों की एक ऐसी सक्रिय जोड़ी को दबोचा है जिसका एक सदस्य बचपन से ही जेब कतरों की गैंग से जुड़ा हुआ था और अभी तक पुलिस को चकमा देकर गिरफ्तारी से बचता आ रहा था, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। गिरफ्तार जेब कतरों की पहचान शमशाद व आरिफ के रूप में हुई है। दोनों आरोपी 18 वर्ष के और संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से थाना, डिफेंस कॉलोनी, संगम विहार, हौस खास, अंबेडकर नगर, साकेत और कोटला मुबारकपुर में दर्ज मोबाइल चोरी के 6 मामले सुलझ गए हैं। दक्षिण दिल्ली में मोबाइल चोरी करने वाले एक पिक पॉकेटिंग गैंग ने आतंक मचा रखा था। यह गैंग राह चलते लोगों, खासतौर पर महिलाओं को टारगेट करके मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दक्षिण जिला DCP बेनिटा मेरी जैकर ने दक्षिण दिल्ली में झपट मारी और मोबाइल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने का काम राजेश कुमार ACP ऑपरेशंस की सुपरविजन व अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला के नेतृत्व में ASI जोगिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार, रोशन कुमार व कांस्टेबल अशोक कुमार की एक टीम को सौंपा। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली के अनुभवी और तेजतर्रार इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने सबसे पहले दक्षिण दिल्ली में पिक पॉकेटिंग और थेफ्ट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की मोडस ऑपरेंडाई को एनालाइज किया। क्राइम और क्रिमिनलों की मोडस ऑपरेंडाई से जांच टीम को पता चला कि गैंग में सक्रिय पिक पॉकेट की एक जोड़ी ने वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान होते ही आरोपियों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिनांक 9 मार्च 2022 को अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली को मुखबिरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि कुख्यात छोटू गैंग के 2 सक्रिय जेब कतरे चोरी किए मोबाइल फोन को बेचने के लिए खानपुर टी प्वाइंट पर आएंगे। इन्फॉर्मेशन मिलते ही टीम ने खानपुर टी प्वाइंट के पास स्ट्रैटेजी ट्रैप लगाया। थोड़ी देर बाद 2 सस्पेक्ट व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर सस्पेक्ट व्यक्तियों ने यू टर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने दौड़कर बाइक को गिराकर दोनों सस्पेक्ट व्यक्तियों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर सस्पेक्ट व्यक्तियों के पास से 6 मोबाइल फोन मिले। उन मोबाइल फोन के मालिकाना हक के बारे में पूछने पर सस्पेक्ट व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने बताया किया कि वो कुख्यात फिरोज उर्फ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही दोनों आरोपियों ने दक्षिण दिल्ली में मोबाइल चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूल की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशाद व आरिफ के रूप में हुई है। पहला आरोपी 18 वर्षीय शमशाद पुत्र नसीम अंसारी के ब्लॉक संगम विहार नई दिल्ली का रहने वाला है। इसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यह शॉर्टकट रास्ते से जल्दी पैसा कमाने के लालच में बुरी संगत में पड़ गया और अपराध करने लगा। आरोपी बचपन से ही पिक पॉकेट्स के गिरोह में काम करता था, लेकिन पहली बार गिरफ्तार हुआ है। दूसरा आरोपी 18 वर्षीय आरिफ पुत्र फखर आलम भी के ब्लॉक संगम विहार नई दिल्ली का रहने वाला है। यह एक स्कूल ड्रॉप आउट था। यह जेब कतरों की गैंग से जुड़ा हुआ था और यह भी पहली बार गिरफ्तार हुआ है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से थाना, डिफेंस कॉलोनी, संगम विहार, हौस खास, अंबेडकर नगर, साकेत और कोटला मुबारकपुर में दर्ज मोबाइल चोरी के 6 मामले सुलझ गए हैं। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली टीम को इस गुड वर्क के लिए उचित पुरस्कार दिया जा रहा है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।